51 शक्तिपीठों में सुमार कड़ा धाम माँ शीतला के मंदिर के लिए खास कर जाना जाता है। वैसे तो कड़ा संत मूलकदास के लिए भी जाना जाता है। कड़ा का इतिहास कम से कम 1000 ईसा वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने वनवास के कुछ समय कड़ा धाम के इसी शीतला मंदिर में गुजारे थे। हालांकि उस समय यहाँ कोई मंदिर नहीं था, महज एक मूर्ति थी जिसे कड़ा देवी के नाम से लोग जानते और पूजते थे। युधिष्ठिर ने उस समय गंगा के किनारे शीतला देवी के मंदिर और महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों साल से कड़ा धाम उपासकों का केंद्र रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि जब माता पार्वती को उनके पिता यानी दक्ष ने अपमानित किया था, जिसके बाद माँ पार्वती ने अपनी वहां बने कुंड में आहुति दे दी थी, जिसके बाद भगवान शिव के क्रोध ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इस क्रोध से दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माँ पार्वती के शरीर के 51 टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से कर दिए थे। कहा जाता है कि वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। उन्हीं में से एक था कड़ा धाम भी। हालांकि जिसे आज कड़ा धाम के नाम से जाना जाता है वह पहले कराकूटम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि माँ पार्वती के एक हाथ का हिस्सा इसी जगह आकर गिरा था, जिसके बाद इस जगह का नाम कराकूटम हो गया, जो बाद में कड़ा धाम के नाम से जाना जाने लगा। कड़ा धाम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू के पास मौजूद है। वैसे तो यहाँ साल के 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए माँ के आते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि माँ के दर्शन मात्र से लोगों के तमाम तरह के कष्ट दूर यूं ही हो जाते हैं। पूर्वांचल की शीतला माँ के इस मंदिर को अधिष्ठात्री देवी के मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी औरंगजेब ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जितनी बार भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की उतनी बार वो नाकाम रहा। हालांकि उसके बाद उसने माँ के चरणों में अपने घुटने टेकने को मजबूर हो गया। ये मंदिर अपने भव्यता और दिव्यता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ साल भर सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। आसपास के गांव के लोग आज भी चेचक होने पर माँ के मंदिर का पानी लगाते हैं, जिसके बाद वो चेचक ठीक हो जाते हैं। ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, जहाँ लोग हजारों हजारों की संख्या में माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।